माय चैनल अल्टीमेट लाइफ मेक्स। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तो इस बारिश के मौसम में क्यों ना कुछ चटपटा, कुछ नमकीन और गरम गरम बनाया जाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड और आलू का चटपटा नाश्ता, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये सब। तो ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें ये हमने ब्रेड ले ली है, ये हमने 6 ब्रेड ले ली है। आप जितने बनाने चाहे तो ये ले सकते हैं। ये हमने 6 ब्रेड ली है। आलू ली है, कटा हुआ धनिया, चॉप्ड अनियन, ये एक प्याज है जो हमने चॉप्ड कर लिया है बारीक बारीक। ये हमने 2 हरी मिर्च ली है चॉप्ड की हुई। ये मसाला है, ये 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी पीसी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, और ये अजवाइन है। ये हमने कुछ मटर ले लिए हैं। तो चलिए बनाते हैं। पहले हमने क्या करना है, ये जो ब्रेड्स है इसको एक के ऊपर एक रख के इसके ये साइड होते हैं जो ये ब्राउन ब्राउन, ये काट लेनी है। ये हम फेंकेंगे नहीं, ये भी हम यूज में लाएंगे। इसको क्या करना है, हमने ग्राइंड कर लेना है। तो हम इसे इस तरह से ये सारी साइड इसकी काट लेंगे। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से हमने ये सारी इसके चारों तरफ से ये ब्राउन ब्राउन काट लिया है ब्रेड का। अब हम बाकी बची हुई ब्रेड का भी ये साइड से चारों तरफ से ये काट देंगे। तो ये देख सकते हैं, हमने ये ब्रेड को ये जो टुकड़े थे ये काट लिए हैं चारों तरफ से। अब क्या करेंगे, ये जो हम बचे हुए साइड्स हैं इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में। तो ये हमने ये वो ब्रेड को ग्राइंड कर लिया, ये देख लीजिए इस तरह से ये बारीक बारीक ग्राइंड कर लेना है। ये हमने गैस पर तेल गरम करने के लिए रख दिया। ये हमने रिफाइन ऑयल लिया है, ये 2 बड़े चम्मच हमने रिफाइन ऑयल लिया है। जब तक ये गरम हो रहा है तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे आलू है इसको हम क्या करेंगे, इसे ग्रेटर से कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अच्छे से मैश हो जाए और इक्वली रहे। इस तरह से हम ये इसे कद्दूकस कर लेंगे। ये आलू को कद्दूकस कर लिए है, देखिए कितना बारीक बारीक कद्दूकस हुआ है। अब हम इसमें दूसरी सामग्री डालेंगे। यह हमने 1 चॉप्ड किया हुआ अनियन डाल दिया है इसमें। ये हमने बारीक बारीक इसे कद्दूकस कर लिया था। ये हमने कटा हुआ धनिया डाल दिया है इसमें। अब हम डालेंगे इसमें ग्रीन चिली, हमने 2 ग्रीन चिली काट कर इसमें डाल दी है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, ये हमने स्वाद अनुसार नमक डाल देना है इसमें। ये अजवाइन डाल दी है थोड़ी सी हमने, ये चाट मसाला, और अब डालेंगे हम अपनी काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च। ये आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं इसमें। थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। जो हमने ग्राइंड किया था ये किनारे ब्रेड के, हम इसमें थोड़ा सा बाइंड करने के लिए डाल देंगे और इसको अच्छे से मैश करेंगे ताकि जो ये ब्रेड हमने डाली है और आलू और ये जितना भी मसाले, ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करना है इस तरह से। मटर के दाने डाल दिए हैं। आप चाहे तो बीन्स भी डाल सकते हैं या कद्दूकस की हुई गाजर भी डाल सकते हैं। हमारे पास मटर ही अवेलेबल थे तो हमने ये मटर ही इसमें डाल दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा गर्म हो रहा है। तो ये इस तरह से हमने स्टफिंग के छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं।
ब्रेड ले लेनी है, इसमें ये थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए हमारी ब्रेड। हमें इसे पानी में डिप नहीं करना है, इस तरह से इसमें ये ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको निचोड़ लेना है इस तरह से। अब क्या करेंगे, ये हम एक ये आलू की जो हमने स्टफिंग बनाई थी इसका एक बॉल लेंगे, इसके अंदर इस तरह से डालेंगे और ये चारों तरफ से इस तरह से रोल कर देंगे। ये हल्के हाथों से करना है, अगर आप इसे जोर से प्रेस करेंगे तो ये टूट सकता है। ये देख सकते हैं आप, हमने इसको हल्के हाथों से ये शेप बना लेनी है। अब क्या करेंगे, जो हमने ये ब्रेड ग्राइंड की थी हम इसके ऊपर इस तरह से ये लगा लेंगे। हम इसको इस तरह से लगाएंगे क्योंकि जब ये हम फ्राई करेंगे तो ये एकदम क्रंची निकलेंगे, इसलिए हमने ये ब्रेड जो हमने ग्राइंड की थी हम ऊपर से लगा रहे हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें ये डाल देंगे। हमने फ्राई करना है, हमने इसे गोल्डन ब्राउन करना है। ये देख सकते हैं कितना क्रंची लग रहा है। जब तक ही फ्राई हो रहे हैं हम दूसरा भी अपना जो ब्रेड रोल है वो भी बना लेते हैं। चलिए, इसी तरह से हमने पानी डाला है और इसे स्पंज कर लिया है और ये आलू की स्टफिंग डाल के इसे इस तरह से चारों तरफ से लपेट देंगे। जब तक ये हमारे ब्रेड रोल तल रहे हैं तब तक जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ये हमारी ब्रेड और आलू के पकोड़ा, जिसे कि आप ब्रेड रोल भी बोलते हैं, ये तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब ये हम दूसरा डाल रहे हैं इसे। तरह हमने अपने सारे रोल्स फ्राई करने के लिए डाल देने हैं और ये मीडियम आंच पे ही तलना है। तो हमारा ब्रेड और आलू का ये जो बेहतरीन स्नैक है वो बनकर तैयार है। आप भी इसे घर पे बनाइए और बताइए कैसा बना है। देख सकते हैं कितना क्रंची है ये, बाहर से कितना क्रंची है। अब हम इसे तोड़ते हैं। ये देखिए, ये बाहर से इतना क्रंची है, अंदर से कितना सॉफ्ट है, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसे ये सॉस में डिबो के अच्छे से खाएंगे। तो आप भी घर पे बनाइए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उस पर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।